तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और एक नई वीडियो लेके मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ। जो आज की वीडियो है, ये वीडियो है नैनीताल की चैना पिक की, जिसको कहते हैं, फिलहाल अभी जो कहते हैं इसको नैना पिक कहते हैं। और मैं आज आपको चैना पिक लेके चल रहा हूँ। और इसके दो रास्ते हैं, चैना पिक के दो रास्ते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं होगा वीडियो में, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ। इस चैना पिक के हैं जो दो रास्ते हैं, और दोनों ही जो हैं पैदल मार्ग, गाड़ी मार्ग नहीं है, पैदल मार्ग है। तो मैं आज एक रास्ते से जाऊंगा, दूसरे रास्ते से आऊंगा। तो आज मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं, यह है हिमालय दर्शन की रोड। ये देखिए, यहां से मैं जाऊंगा, ये पैदल मार्ग है। और इसके जस्ट नीचे जो है गाड़ी रोड है। ये देखिए, एक गाड़ी आपको अभी जाते हुए दिखेगी। ये देखिए, ये जो गाड़ी रोड है ये जा रही है हिमालय दर्शन को। और ये जो है कच्ची सड़क है, ये भी पैदल मार्ग है, ये भी हिमालय दर्शन को जा रहा है। ये जाके जस्ट चैना पिक वाली रोड में मिल जाएगा। और ये जो गाड़ी रोड है ये भी चैना पिक वाली रोड में मिल जाएगी। तो आज मेरा जो व्लॉग है वो चैना पिक का व्लॉग है। तो आज मैं आपको उस चैना पिक की सैर कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं चैना पिक की ओर को। तो ये देखिए, इस टाइम मैं चैना पिक को निकल पड़ा हूँ। और आज का व्लॉग है मेरा चैना पिक का। आज मैं आपको चैना पिक का टूर करा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप देख सकते हैं। और मैं तो लोकल का हूँ, तो इसलिए मुझे चैना पिक जाने में तकरीबन एक घंटा ही लगेगा। और जो टूरिस्ट आते हैं, बाहर से आते हैं लोग, वो बैठ के जाते हैं, रुक रुक के जाते हैं, तो उन्हें तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग जाता है चैना पिक पहुँचने में। तो मैं आपको रास्ते भी दिखाते रहूँगा, कहाँ से कौन सा रास्ता है जाने के। शॉर्टकट रास्ते भी हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट नहीं दिखाऊँगा, रास्ते दिखाते रहूँगा। तो चल रहे हम चैना पिक की तरफ को एंजॉय करते हुए। गाने में लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है फिर यूट्यूब में क्या है। तो इस टाइम चैना पिक की ओर को, तो चलिए मिलते हैं आगे। सामने जंगली मुर्गी वो चढ़ गई ऊपर को। और इस टाइम हम जाते हुए चैना पिक को एंजॉय करते हुए। आज जीशान अली नैनीताल चैनल में इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे चैना पिक, और चैना पिक से नैनीताल कैसा दिखता है वो देखेंगे आप। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल जीशान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यार, इस टाइम मैं रोड में निकलने वाला हूँ। जो मैंने अभी आपको नीचे बताया था, हिमालय दर्शन की गाड़ी रोड है जो, और जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये पैदल मार्ग है। गाड़ी रोड जो है, उस गाड़ी रोड में मैं निकलने वाला हूँ, और वहाँ से फिर हम चैना पिक के रास्ते को चढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं रोड में। और इस टाइम काफ़ी थकाई भी लगी है, और तो चलिए मिलते हैं रोड में। ये देख सकते हैं आप, ऊपर रोड आ गई है जो मैंने आपको नीचे बताई थी। और ये पैदल मार्ग है, ये भी जाके हमारे दर्शन रोड में मिल जाता है। और यहीं से चैना पिक का रास्ता है। हम निकल चुके हैं रोड में, गाड़ी रोड, तो ऊपर रोड में मिलते हैं। ये देखिए गाड़ी रोड, और इसका आगे हिमालय दर्शन है, किलवरी है, पंगूट। और यहाँ से मैं आया हूँ पैदल मार्ग, और यहाँ के रोड मिल जाती है। और यह चैना पिक का, तो चलिए चलते हैं चैना पिक की ओर को, ये रास्ता। दोस्तों, इस टाइम मैं चढ़ चुका हूँ चैना पिक वाली रोड में, और मैं जा रहा हूँ हल्के हल्के, हौले हौले। और आपको दिखा रहा हूँ मैं आज चैना पिक का व्लॉग, कैसे जाते हैं वहाँ यहाँ से। और मैं, जैसा मैंने आपको बताया, चैना पिक के दो रास्ते हैं। एक रास्ते से मैं जा रहा हूँ, और दूसरे रास्ते से मैं आऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। शायद ही आज तक जितनी चैना पिक की वीडियो बनी है, लोगों ने दो रास्ते दिखाए होंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देख सकें और मेरी वीडियो को पसंद कर सकें।
तो चलिए चलते आगे की ओर। तो दोस्तों देखो ये जा रही है चन्नबिक्को रोड, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो बटिया जा रही है ये आगे जाके ऐसी जगह जाती है जहाँ से नैनीताल का व्यू इतना प्यारा दिखता है, बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो अगर आप कहेंगे तो इसकी वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं इसकी वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है चन्नबिक्को का ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर आप कॉमेंट करके कहेंगे तो मैं इस जगह का वीडियो बना के आपको दूंगा। और ये जो जगह है, आप अगर चन्नबिक्को आ रहे हैं तो रास्ते में ये बटिया दिखती है, इसके भी दो शॉर्टकट हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक नीचे से रोड से जस्ट लगते हुए हो गया, और वहाँ जाके व्यू और इतना अच्छा खूबसूरत नैनीताल दिखता है, लेक दिखता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा। मैंने आपको ये दिखा दिया है कि आप अगर चन्नबिक्को आ रहे हैं तो चन्नबिक्को के रास्ते में ही पड़ता है। तो अब चलते हैं हम चन्नबिक्को की ओर को, हौले हौले आराम आराम से। आप लोगों से बात करते हुए, आपको बताते हुए, आपको गाइड करते हुए, कभी आप आए नैनीताल तो चन्नबिक्को भी आप घूमने आ सकते हैं। हम चल रहे हैं चन्नबिक्को की तरफ को, जो कि आज पर्यटक जो है मुझे लग रहा है कि कम है, हैं। और जैसे आज मंडे का दिन है, सोमवार, और टाइम इस टाइम हो रहा है 11:30, शायद या तो मैं जल्दी निकल गया हूँ या पर्यटक नहीं है क्योंकि आवाज़ आई नहीं रही है। तो फिलहाल मैं तो हूँ आपके लिए, तो हौले हौले से चलो चलते हैं ऊपर की ओर। जैसा अभी मैंने एक पॉइंट के बारे में आपको बताया कि वहाँ से नैनीताल बहुत प्यारा दिखता है, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं जगह की वीडियो बना दूंगा। और आगे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से हिमालय दर्शन बहुत प्यारा दिखता है, तो मैं आगे आपको उस पॉइंट पर ले जाता हूँ। और लेकिन यहाँ सेफ्टी के संग आप फोटो खिंचा सकते हैं। ये आगे पॉइंट बहुत प्यारा है ये, लेकिन यह है कि अपनी सेफ्टी के संग आप फ़ोटो वोटो खिंचाएँ। और सुबह के करीब आएँ तो हिमालय दर्शन बहुत प्यारा दिखता है, जो भी फिलहाल बादल है इसलिए हिमालय नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी दिख रहा है, देख सकते हैं आप क्या व्यू है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अगर हिमालय दिखता है तो। ये देखिए हल्का हल्का हिमालय दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, हल्का हल्का, क्योंकि इस टाइम धुंध है, धुंध के कारण ये वो दिख रहा है। और आप देख सकते हैं हल्का हल्का हिमालय दिख रहा है। और यहाँ का खूबसूरत स्थान देखिए, ये देखिए क्या खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा है, पहाड़ों से लदा हुआ, ये देख सकते हैं आप। और इसके जस्ट नीचे देख सकते हैं आप हिमालय दर्शन, वो देखिए सामने जहाँ पे टूरिस्ट हैं, और यहीं से हिमालय, इसी को हिमालय दर्शन कहते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहीं से दूरबीन है, दूरबीन से वो हिमालय को देखते हैं, निहारते हैं, उसे यहीं आते हैं, वो हिमालय दर्शन का इस जगह का नाम है। तो ये गाड़ी रोड है, तो यहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया, देखिए कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं आप, ये। तो चलते हैं हम यहीं से चन्नबिक्को की वादियों की तरफ। आपको वीडियो देखने को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को पसंद करें। और अब मैं अभी तो मैं नैनीताल के ब्लॉग बना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अब बाहर निकलने वाला हूँ तो बाहर के ब्लॉग बनाऊँगा, मैं आपको ब्लॉग बना के दूँगा बाहर के, जगह नहीं बताऊँगा, जगह आपको सरप्राइज है, जब मैं ब्लॉग बनाऊँगा बाहर के तो अपलोड ज़रूर करूँगा। देखिए इस टाइम में नीचे से ऊपर को आ रहा था तो यहाँ पर बैठने की जगह भी है। तीसरा पॉइंट ये है, ये देखिए यहाँ पर कुर्सी भी लगा दी गई है, अभी आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, देख सक रहे हैं, देख सकते हैं आप,
ये देखिए कुर्सी लगाई गई है, आराम से बाइक आदाब यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप चैनाबिक की तरफ। तो दोस्तों इस टाइम मैं जा रहा हूँ चैनाबिक, और जो मुझे टाइम लगेगा इस टाइम 30 मिनट लगेंगे लगभग, अब 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में चैनाबिक। हाँ दोस्तों मैं चैनाबिक पहुँचने वाला हूँ, बस तकरीबन 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। थोड़ा मैं रुकते रुकते भी आ रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो चढ़ाई भी है और आराम आराम से चलना चाहिए। तो मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा दोस्तों। Fifteen minutes later. तो यार हम चैनाबिक पहुँच चुके हैं इस टाइम, तकरीबन मैं चैनाबिक आ गया हूँ, और जहाँ से नैनीताल का व्यू दिखता है वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। फिलहाल चैनाबिक में पहुँच चुका हूँ, तो दिखाता हूँ अभी आपको। तो देखिए मैं चैनाबिक पहुँच चुका हूँ चैनाबिक, और थोड़ी देर में बैठते हैं उसके बाद फिर आगे वो चलते हैं। जैसे कि मैं चैनाबिक पहुँच चुका हूँ, और जहाँ से नैनीताल का व्यू दिखता है अब वो अब मैं आपको दिखाऊँगा। और फिलहाल मैं चैनाबिक पहुँच चुका हूँ, और जो मैं दो रास्ते की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे वो दो रास्ते हैं चैनाबिक के आने जाने के। एक रास्ता तो ये हो गया जहाँ से मैं आया हूँ अभी, और एक रास्ता ये हो गया चैनाबिक का, ये निकलता है सत्यनारायण मंदिर को, वहीं से गाड़ी रोड है जहाँ से हिमालय दर्शन वाली रोड में जाके ये भी मिल जाता है। यहाँ से मैं अभी आपको ले चलूँगा, तो चलिए चलते हैं चैनाबिक की तरफ। मैं चैनाबिक में पहुंचने वाला हूं, अभी देखते हैं वहां से नीचे को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है धुंध लगी हुई है। साफ मौसम है तो सही, तो आगे चल के पता चलेगा। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मैं शॉर्ट करते करते आया हूँ वीडियो को लेते हुए। और मैं पहुँच चुका हूँ चैनाबिक, तो चलिए वहीं को मिलते हैं। A few moments later. देखिए इस टाइम मैं नैना पीक पहुंच चुका हूं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि रास्तों में जो जंगल है वहां पर तो डर लगता ही है अकेला हो तो। और क्या खूबसूरत लग रहा है, मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल की जानी मानी चोटी में चैनाबिक। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए। तो देखिए नैना पीक की चोटी मैं पहुंच चुका हूं, और आपको मैं नैनीताल दिखा रहा हूं। और ये देखिए नैनीताल की चैनाबिक की चोटी, जो कि काफ़ी फेमस है इस जगह, ये जगह यहां पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो ये देखिए नैनीताल पूरा। तो देखिए मैं चैनाबिक की चोटी में पहुंच चुका हूं, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे नैनी लेक है, नैनी लेक दिख रही है, पूरा नैनीताल आपको इस टाइम दिख रहा है। और इस जगह का नाम है नैनापिक, पहले इसको चैनाबिक कहते थे। यहाँ से चीन की दीवार दिखती थी जो 1800 कुछ में टूट गया था, तो उससे जो है अब चीन की दीवार नहीं दिखती है, तो इसका नाम अब चैनाबिक से बदल के नैनापिक रख दिया गया है। तो मैं इस टाइम नैनापिक में पहुँच चुका हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए नैनीताल, ये देखिए मैं आपको अब बैक कैमरे से नैनीताल का पूरा दिखाता हूँ कहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये देखिए नैनीताल, आपको पूरा नैनीताल दिख रहा है, सामने लेक है, और सामने यहाँ पे होटल हैं। तो मैं एक दो होटल के नाम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सामने आरिफ कैसल है, इधर शेरवानी है, उधर बल्लामपुर होटल है, और सामने कार पार्किंग दिख रही है। और ये पूरा जो इधर का हिस्सा है पूरा मल्लीताल का हिस्सा है, उधर का तल्लीताल जो ताल का उधर का हिस्सा है वो तल्लीताल कहलाता है। और सामने जो दिख रहा है वो रडार है, अभी हल्की हल्की धुंध है इसलिए यहाँ से हिमालय बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन हिमालय नहीं दिख पा रहा है। तो ये पूरा नैनीताल, और जो इधर की तरफ है वो कालाडूंगी रोड है, सामने खुरपा ताल सड़िया ताल सब दिख रहा है यहाँ से।
लेकिन इस टाइम थोड़ी धुंध है, हल्का हल्का धुंधला है तो नहीं दिख पा रहा है। और ये देखिए नीचे का हिस्सा चैनल पीक से, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक खाई दिखा रहा हूँ कि नैना पीक से नीचे को कैसा दिख रहा है, यहाँ तो डल लग रही है। ये देखिए नैनीताल, आज पर्यटक यहाँ पे काफ़ी कम आए हैं, सैटरडे संडे बहुत आते हैं, यहाँ भीड़ लगी रहती है पर्यटकों के। और ये पैदल मार्ग है, यहाँ गाड़ी नहीं आती है, आप पैदल आ सकते हैं। और यहाँ चैनल पीक आने के दो रास्ते हैं, एक रास्ते से तो मैं आ गया हूँ और दूसरे रास्ते से मैं आपको ले चलूँगा, दूसरा रास्ता भी आपको दिखा दूँगा ताकि आप नैनीताल कभी आएँ तो कन्फ्यूज ना हो। यहाँ आप बैठ के सेल्फी वेल्फी अपना फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हैं सेफ्टी के संग। ये देखिए नैनीताल, और साथ में यहाँ एक भैया भी आए हुए हैं जो अपनी फोटो ले रहे हैं, इनके साथ और भी आए हैं, वो अभी काफी थक चुके हैं तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं साथ के। देखिए को और आ गए हैं, और ये देखिए चैनल पीक, यहाँ सब फोटो वोटो लेते हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप, पूरा फील्ड है यहाँ पे, पूरा बैठने का है। और इधर से अब मैं जाऊंगा, और आप टूरिस्ट तो यहाँ कम ही है क्योंकि आज मंडे का दिन है और 12 बज रहे इस टाइम, तो नैनीताल देखिए। अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, और अभी कुछ देर में यहाँ पे रुका हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरे रास्ते से ले जाऊँगा। ये देखिए आपको छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे, तो घर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं यहाँ पे, घर कितने छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैं आपको नैना पीक की वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ का व्लॉग दिखा रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। और यहाँ पे कुछ भैया लोग भी आए हैं, तो ये देखिए जैसा कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ नैना पीक, और आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे कुछ भैया लोग भी आए हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो भैया आप कहाँ से आए हैं? वी एक्चुअली केम फ्रॉम देहरादून। अच्छा, या तो आप यहाँ नैनीताल घूमना है? हाँ, नैनीताल घूमना है, हम एक्चुअली कल आ गए थे। जी जी, कल हम लोग फिर नाकुचियाताल भीमताल वगैरह घूम के। अच्छा अच्छा, वी स्टेड, देन वी स्टेड एट नाइट है। अच्छा अच्छा, देन वी केम हियर जस्ट 1.5 आवर बिफोर। अच्छा, तो आपको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा? हमको जो नैनीताल से आपका 15 मिनट का रूट, तो आपका बाई कार होगा? बाई कार, हाँ बिल्कुल। देन वहाँ से पैदल जो आप चढ़े ऊपर को 40 to 45 minutes और 45 minutes to 1 hour, you can say that। अच्छा अच्छा, about all about trekking। अच्छा, तो आप जब यहाँ का चैनल भी यहाँ आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ बहुत बढ़िया, एकदम ब्यूटी है, देखे ना आप, मतलब लेक इतनी बड़ी है और जी, जी, जी। यहाँ से इतनी छोटी लग रही है, तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए कितनी हाइट पे होगा ये। जी बिल्कुल, और वो जो आप देख रहे हैं ना उधर, वो है एयरफोर्स का रडार। जी जी जी, जो कि बिल्कुल चाइना का जो रडार सिस्टम, मतलब जो चाइना के जितने भी अगर जेट एक्टिविटीज कुछ भी होंगी तो सीधे यहाँ पे दिखता है। जी जी जी, कि पहले यहाँ से चीन की दीवार भी दिखती थी। हाँ, पहले मतलब जो अभी पहले जी हाँ, हेजी वगैरह होने लगे, पॉल्यूशन की वजह से अब दिखता नहीं है। 1800 कुछ में यहाँ टूट गया था ये, उसके बाद ही अब इसको चाइना पीक का नाम बदल के नैना पीक रख दिया गया है, और अब जो है यहाँ से चीन की दीवार नहीं दिखती है। तो आप लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये सब मेरा फ्रेंड सर्कल है, भाई बहन है, कजिन है सारे। जी जी जी, लेकिन लोग बहुत गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल, एक माँ आपको ये बहुत बड़ी, मतलब आपसे बहुत बड़ी है ना, मतलब रिक्वेस्ट है कि ऐसे फैला के ना जाए, कोई भी यहाँ आए तो कचरा बिल्कुल फेंका हुआ है, मतलब एक आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, जो बिल्कुल, भी बिल्कुल। आए यहाँ का जो ब्यूटी है उसको मेंटेन रखे एटलीस्ट, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल जगह है। बिल्कुल, तो थैंक यू भैया, मिलते हैं फिर, आप मेरी वीडियो देखिएगा। डू विजिट हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बिल्कुल, थैंक यू, आप मेरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको अभी अपना चैनल का नाम बता दूंगा,
तो थैंक यू भैया। तो देखिए तो यार, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई चाइना पिक की, अब ये वीडियो मैं आगे को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था, इस टाइम मैं चाइना पिक में ही खड़ा हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक रास्ते से मैं आऊँगा और दूसरे रास्ते से मैं जाऊँगा, आपको मैं दो रास्ते दिखाऊँगा। तो एक रास्ते से तो मैं आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से, जो मिलता है सत्यनारायण मंदिर के पास, उसके नीचे मिलता है हिमालय दर्शन वाली रोड से। तो मैं, मेरा दिखाने का ये मकसद ये है रोड को, दो रोड को, कि आप लोग कभी भी नैनीताल आएँ तो कन्फ्यूज ना हो, इधर से भी आप जा सकते हैं, उधर से भी आप जा सकते हैं, दोनों रास्ते आके यहीं मिलते हैं पैदल मार्ग। बट यह है कि गाड़ी नहीं आती है, पैदल आपको आना पड़ेगा। और अब जाते समय तो बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ढलान है, जाते समय तो बड़ा इंजॉय करते हुए मैं जाऊँगा। और आपको मैं दूसरा रास्ता दिखा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं दूसरे रास्ते की तरफ। तो यार, अब मैं फाइनली दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, जो दूसरा रास्ता ये है, देख सकते हैं आप। जैसा मैंने आपको बताया नैनीताल पे चाइना पिक जाने के लिए दो रास्ते, एक रास्ता से इधर से आ गया है, ये चाइना पिक को चले गए हैं नैनीताल व्यू देखने के लिए। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आप इधर को जाएंगे नैनीताल व्यू देखने के लिए चाइना पिक से। और एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है, तो यहाँ से मैं आप जा रहा हूँ नीचे को। तो दोस्तों, इस टाइम मैं जा रहा हूँ दूसरे रास्ते की से नीचे की तरफ। अभी मैंने आपको दिखाया दूसरा रास्ता, अब मैं जा रहा हूँ। और ये दूसरा रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, इन्जॉय करते हुए आइए, इन्जॉय करते हुए जाइए चाइना पिक में, आइए व्यू देखिए। मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, जैसा मैं आपको दूसरा रास्ता दिखा रहा हूँ, ये रास्ता भी काफ़ी अच्छा है और ये भी चाइना पिक को जाता है, जैसा मैं आपको दिखाया मैंने अभी। और मैं अब नीचे को उतर रहा हूँ, एक रास्ते से मैं चाइना पिक को गया था और दूसरे रास्ते से मैं अब नीचे को जा रहा हूँ। और ये कहाँ पर मिलता है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा अभी, कहाँ पे ये सही है, आपको आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार ये रास्ता किधर को चल गया है, किधर को हुआ है, क्योंकि ये रोड और ये रोड आके एक रोड आगे को चली जा रही है, ये खड़ंजे, इसको बोलते हैं खड़ंजे की तरफ, ये आगे जा खड़ंजे की तरफ जा रही है ये रोड। तो इस रोड में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है इस रोड में, ये जो ऊपर को रोड जा रही है चाइना पिक की, इस रोड में आपको जाना है। तो कभी भी आप आएँ तो सीधी रोड को, आप इस रोड से आ रहे हैं तो इस रोड से ना जाके आपको इस रोड में जाना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि आप आगे को चले गए चाइना पिक जाने की बजाय, आप आगे को चले गए और आपको देर हो जाए। तो इस जगह को बोलते हैं दो बटिया। दो बटिया से आपको जाना है ऊपर की तरफ, ना कि नीचे को, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको नीचे की रोड में नहीं जाना है, आपको ऊपर की रोड में जाना है, ठीक है। तो आपको ऊपर की रोड में जाना है, कन्फ्यूज मत होना। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नीचे सत्यनारायण मंदिर की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो यार, मैं सत्यनारायण मंदिर पहुंच चुका हूँ, ये देखिए। तो यहाँ मैं पहुंच गया हूँ और ये इसका दूसरा रास्ता था चाइना पिक का, मैंने दिखाया आपको। तो फाइनली मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ सत्यनारायण मंदिर, आप देख सकते हैं, ये देखिए पीछे आपको मंदिर का वो दिख रहा होगा। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ और मेरे पीछे देखिए, यहाँ से भी खूबसूरत नज़ारा दिखता है नैनीताल का। और यहाँ की मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ से कैमल्स बैग भी जाते हैं और यहाँ की मैंने वीडियो बनाई है, जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देखिएगा। 79 की भी मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है, कैमल्स बैग की भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं उन वीडियो को भी। और फाइनली मैं सत्यनारायण मंदिर पहुँच चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नीचे हिमालय दर्शन वाली रोड पे, वहाँ पे मैं वीडियो को अपनी एंड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आया होगा,
तो चलते हैं हम नीचे की ओर को। फाइनली दिखा दिया चेन्नई पीक, और मैंने नैनीताल की जो टॉप 10 जगह है घूमने की उसकी वीडियो मैंने बनाई है कि आप तो नैनीताल में टॉप 10 जगह, जो 10 जगह है टॉप 10 मतलब फेमस जगह घूमने की, उसकी वीडियो मैंने बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं और 10 जगह आप घूम सकते हैं। मैंने उसमें दिखाया कि आप कौन कौन सी जगह नैनीताल आके घूम सकते हैं टॉप 10 जगह। तो फाइनली यार जो है मैं हिमालय दर्शन वाली रोड में पहुंच चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी जो आज मैंने बनाई है चेन्नई पीक का व्लॉग। चेन्नई पीक के जाने के दो रास्ते, जो चेन्नई पीक के दो रास्ते हैं वो मैंने आज आपको दिखाए हैं, और फाइनली मैं हिमालय दर्शन वाली रोड में पहुँच चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जिसाना नैनीताल को चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कराइएगा, और आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं जो वीडियो बनाऊँगा व्लॉग बनाऊँगा वो आपको पसंद आए। तो चलते हैं, फाइनली मैं आपको रोड में ले जाता हूँ और वहाँ फिर एंड कर देता हूँ मैं। तो मैं हिमालय दर्शन वाली रोड में पहुँच चुका हूँ, आप देख रहे हैं ये जा रहा है ऊपर की रोड को जहाँ से मैं आया हूँ, और फाइनली मैं ये रोड में पहुँच गया हूँ। आपको गाड़ी दिखेंगी अभी आते हुए, ये देखिए मैं रोड में पहुँच चुका हूँ, और मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।